नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोसिट इंजेक्शन का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, स्ट्रोसिट इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है और स्ट्रोसिट इंजेक्शन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में स्ट्रोसिट इंजेक्शन को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। स्ट्रोसिट एक ब्रांड नेम है। स्ट्रोसिट इंजेक्शन के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन सिटीकोलिन होता है। सिटीकोलिन हमारे दिमाग में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक केमिकल है जो हमारे दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। स्ट्रोसिट इंजेक्शन का उपयोग दिमाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। स्ट्रोसिट इंजेक्शन का उपयोग सिर में कोई चोट लगने पर, अल्जाइमर डिजीज होने पर, लकवा लगने पर, दिमाग की याददाश्त कमजोर होने पर, डिप्रेशन होने पर और पार्किंसंस डिजीज होने पर स्ट्रोसिट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। पार्किंसंस डिजीज होने पर हाथों या पैरों का अपने आप हिलना, हाथों या पैरों में कंपन होना, हाथों व पैरों की गति धीमी होना, खड़े होने में कठिनाई होना, शरीर का संतुलन बनाए रखने में परेशानी होना, चबाने, निगलने या बोलने में परेशानी होना और मांसपेशियों में अकड़न होना आदि लक्षण पार्किंसंस डिजीज होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा आँखों में ग्लूकोमा होने पर भी डॉक्टर स्ट्रोसिट इंजेक्शन को लगाने की सलाह दे सकते हैं। स्ट्रोसिट इंजेक्शन आँखों की रोशनी को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। स्ट्रोसिट इंजेक्शन दिमाग में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है और दिमाग की नर्व सेल्स को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में स्ट्रोसिट इंजेक्शन की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में स्ट्रोसिट इंजेक्शन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, सिरदर्द होना, उल्टी आने का मन होना, शरीर में थकान होना, नींद न आना, दस्त होना, पेट में बेचैनी होना, पेट दर्द होना, आंखों में धुंधलापन होना, दिल की धड़कन का कम या तेज होना, ब्लड प्रेशर कम होना और त्वचा पर रैशेस होना आदि साइड इफेक्ट स्ट्रोसिट इंजेक्शन की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोसिट इंजेक्शन को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। स्ट्रोसिट इंजेक्शन को इंट्रामस्क्यूलर और इंट्रावेनसली दोनों ही तरह लगाया जा सकता है। इंट्रामस्क्यूलर यानी मांसपेशियों में और इंट्रावेनसली यानी नसों के द्वारा, लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर स्ट्रोसिट इंजेक्शन को केवल इंट्रावेनसली यानी नसों के द्वारा फ्लूइड में मिलाकर यानी ग्लूकोज में मिलाकर ही लगाने की सलाह देते हैं। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर स्ट्रोसिट 500 mg से लेकर 1000 mg इंजेक्शन को दिन में 2 बार लगाने की सलाह देते हैं। स्ट्रोसिट इंजेक्शन की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में स्ट्रोसिट इंजेक्शन को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। यदि आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो स्ट्रोसिट इंजेक्शन को सर्जरी से कम 2 सप्ताह पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोसिट इंजेक्शन सर्जरी के दौरान उपयोग की जाने वाली एनेस्थीसिया या अन्य दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि स्ट्रोसिट इंजेक्शन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है या नहीं, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को स्ट्रोसिट इंजेक्शन को न लगाने की ही सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका स्ट्रोसिट इंजेक्शन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।